गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में ओनली फॉर अली ऑफिशियल में, जिसमें हम आपके लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बड़े मजेदार होने वाला है। गाइस, आज का टॉपिक ये है, हमारे फोन में दूसरे का वाईफाई डला हुआ है और हम दूसरे को कैसे शेयर करें, हमें पासवर्ड पता नहीं है, तो गाइस हम दूसरे को कैसे शेयर करें ये आज हम आपको बताने वाले हैं। गाइस, वीडियो को पूरे एंड तक देखना, जब भी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड गाइस सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, एंड डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो गाइज, आज सबको बताने जा रहा हूँ कि मैं आज कि जैसे कि इसमें वाईफाई कनेक्ट है, तो मैं इस वाईफाई को इसमें कैसे कनेक्ट करूँ, जैसे कि हम किसी वजह से जैसे कि इस फोन में नेट चल रहा है तो इसमें कैसे चलाऊँ बिना, इसमें डेटा नहीं है जैसे कि, तो मैं कैसे चलाऊँ वाईफाई बिना हॉटस्पॉट के। जैसे कि इसमें वाईफाई कनेक्ट है तो मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ तो वाईफाई ऑफ हो जाएगा, है दोस्तों। तो मैं इसमें कैसे ऑन करके इसमें नेट चला दूँ इस वाईफाई से। अब देखिए, मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ज़्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, तो देखिए दोस्तों। तो मैं आपको पहले इसमें दिखा देता हूँ नेट कैसे चल रहा है, पहले चला के जैसे यूट्यूब खुल गया, अब देखिए कोई सी वीडियो प्ले कर लेते हैं। देखिए इसमें नेट चल रहा है। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे इस वाले फ़ोन में चलेगी कि नहीं चलेगी। अब मैं इसमें दिखाता हूँ यूट्यूब ऑन करके आपको कि इसमें नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दोस्तों देखो, इसमें नेट नहीं है, बिल्कुल ही ऑफलाइन दिखा रहा है डायरेक्ट। तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि इसमें नेट कैसे शेयर करेंगे बिना हॉटस्पॉट के। तो दोस्तों हम पहले जाएंगे सेटिंग में, यहाँ से हम जाएंगे अपने ब्लूटूथ पे, हम ब्लूटूथ से डेटा शेयर करेंगे आज। तो जैसे कि ब्लूटूथ ऑन कर लिया मैंने, और मैंने इस फ़ोन का भी ब्लूटूथ ऑन कर लेना है, दूसरे वाले का भी। जैसे दोस्तों मैंने इस फ़ोन का भी ब्लूटूथ ऑन कर लिया है। तो दोस्तों अब दोनों डिवाइस को आपस में पेयर करना है, जैसे कि अब इस डिवाइस में स्कैन और ये आ गया मेरा वाई ब्लूटूथ और ये पेयर हो रहा है। अब इस साइड भी कुछ आया होगा, यहाँ पेयर कर दिया, ओके। जैसे पेयर हो गया तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इससे नेट कैसे चला सकते हैं। हम डायरेक्ट ऐसे नेट नहीं चलेगा हमारा, कुछ पेयर ही हो सकता है बस। तो मैं आपको नेट चलाना सिखाता हूँ। जैसे कि हम जिस फ़ोन में जाते हैं, इसमें डेटा हमारे, इसमें हम सेटिंग में जाएंगे फ़ोन के, ये फ़ोन सेटिंग में आ गया, उसके बाद मोर पे जाते हैं। जैसे कि ये ऑपरेशनल हॉटस्पॉट या फिर आपका जो भी आएगा हॉटस्पॉट शेयर, तो उसमें आपको मिलेगा एक ये ऑप्शन मिलेगा ब्लूटूथ टेथरिंग, इसे आप ऑन कर लो। और इसे ऑन करने के बाद और फिर हम इस वाले फ़ोन पे आ जाते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि इसमें नेट कैसे चलाएंगे हम। अब हम इसके ब्लूटूथ में जाते हैं और हमने कनेक्ट किया, जैसे कौन सा फ़ोन कनेक्ट किया था, अभी ये वाला कनेक्ट किया था। तो अब हम दिखाने वाले, देखो अब हमने इस पर क्लिक किया और ये इंटरनेट कनेक्ट हो गया। अब हम जैसे कि उसमें वाईफाई से नेट चल रहा है और यहाँ पे हम ब्लूटूथ से इसमें ले सकते हैं डायरेक्ट, नहीं वैसे तो हम चला नहीं पाते। और हमें पासवर्ड नहीं पता, जैसे कि उस बंदे को पता नहीं है तो वो कैसे शेयर करे आपको डेटा। और ये देखिए इसमें यूट्यूब खुल गया। अब देखिए मैं कोई सी वीडियो एक प्ले करके दिखाता हूँ आपको, नेट स्पीड चलेगा, अच्छा खासा स्पीड देगा नॉर्मल। और ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले वीडियो प्ले करके दिखाई थी, उसमें प्ले नहीं हो रही थी, ऑफलाइन था। देखिए और ये वीडियो प्ले हो चुकी है इसमें दोस्तों, और ये नेट काफ़ी फास्ट चलेगा जिस स्पीड से इसमें आ रहा है, इसमें भी इसी स्पीड से चलेगा आपका नेट दूसरे फ़ोन में, जिससे जैसे कि वाईफाई चलता है वैसे ब्लूटूथ से चलेगा। आई होप गाइज वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी जरूर दबाना। एंड गाइज वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दो, शेयर कर दो गाइज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।